ये इतना मुश्किल है नहीं जितना हम समझते हैं कि एक मतलब अगर आपने हिप्स किया है या फिर अगर आपने स्कूलिंग लाइन से हटके कुछ अगर स्टडी की है और खासकर दीनी मामले में तो आपके लिए ये मुश्किल होगा, ऐसा नहीं उम्मीद है होता। कि 650 नंबर है मेरे आएंगे। जल गया घर, अब बचा क्या है? बच गया मैं तो फिर जला क्या है? वो तो मेहनत है मुकद्दर अपना, वरना हाथों की लकीरों में रखा इस साल क्या? नहीं, 24 का एक्सपेक्टेड रिजल्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो है 654 मार्क्स। सबसे बड़ी बढ़िया चीज़ ये लगी इस एकेडमी की कि टीचर अच्छे रहें, टीचर का नेचर बहुत अच्छा रहा है। व्यूअर्स, हम आपके लिए हमेशा कुछ अच्छी और ज़मीन से ऐसी स्टोरी लेकर आते हैं। खासतौर से सक्सेस स्टोरी ऐसी होती हैं जिसमें कुछ नया होता है, कुछ कर गुजरा होता है। आपको ये तस्वीर दिखाई दे रही है, तालियां बज रही हैं और तमाम जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं अप्रिशिएट कर रहे हैं। दरअसल ये भविष्य के डॉक्टर हैं और अभी हालांकि नीट का जो रिज़ल्ट है वो ऑफिशियल नहीं आया है, लेकिन इतना भरोसा है सभी को अपने आप पर कि उन्होंने अपने मार्क्स तक जो है बता दिए हैं। और ये सेलिब्रेशन हिंद गुरु अकेडमी में चल रहा है, जामिया नगर में ये जो हिंद गुरु अकेडमी है वहाँ पर लोकेटेड है। ये तमाम जो चेहरे हैं देख रहे हैं बहुत ही खास हैं, भविष्य के डॉक्टर हैं, मुस्तकबिल में तमाम डॉक्टर बनेंगे, देश की सेवा करेंगे, मेडिकल कॉलेजेस में जाएंगे। और अहम बात यह है कि ये जो नीट का एग्ज़ाम हुआ हाल ही में 5 मई को, उसका उसके अंदर इन सभी ने 600 प्लस जो नंबर्स हैं, जो मार्क्स हैं वो हासिल किए हैं। जो शायरी का शौक़ रखते हैं, रहमान हाफिज़ हैं, और इसके अलावा उनके जो दोस्त हैं, साथ में रहने का मौका मिला, ज़रूर इन सबसे बात करेंगे। और कितना कैसे सेलिब्रेशन, कैसा है तमाम भरोसा या निकल कर आता है? जर्नी आसान नहीं थी, बहुत मुश्किल थी जर्नी और बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे, उसके बाद इस मुकाम पे पहुँचे हैं। यही कह सकता हूँ कि बहुत कुछ खो दिया और देखा जाए तो कुछ भी नहीं खोया, बहुत कुछ पा लिया, तो यही है। और उम्मीद है कि 650 नंबर मेरे आएंगे। और इस जर्नी में सबसे बड़ा रोल मेरे माँ बाप का, प्लस हिंद गुरु अकेडमी के सारे टीचर्स का, चाहे सपोर्टिंग स्टाफ हो, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे वो टीचर्स हो, सबका इक्वल बहुत बड़ा रोल रहा है। ये तो मेरे कुछ आप शायर भी हैं, कुछ सुनाइए, कलाम सुनाइए। देखिए, मोटिवेशनल शायरी तो बहुत कम ही लिखता हूँ, लेकिन हाल फिलहाल में जो आप जो व्यूअर्स देख रहे हैं, तो आप सभी के लिए मैं, जब आप डिप्रेस हो जाते हैं तो आप सभी के लिए कुछ लाइनें हैं कि औरों में खुद को खोकर मैं को पाना, औरों में खुद को खोकर मैं को पाना बहुत बड़ा काम है, जीना इसी का नाम है। और एक शेर मैंने अभी नीचे भी कहा था कि जल गया घर, अब बचा क्या है? बच गया मैं तो फिर जला क्या है? वो तो मेहनत है मुकद्दर अपना, वरना हाथों की लकीरों में रखा क्या है। डॉक्टर साहब, बहुत सारे जो बॉडी से जले हुए लोग भी आपके पास आएंगे जी, उनको संभालना, अपनी जिम्मेदारी पूरा करना बड़ा अहम फरीजा हो जाएगा जी, कैसे उनको संभालेंगे? देखिए, एक डॉक्टर जो होता है कि उसका काम सिर्फ ये नहीं है कि आपने मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी तो और पेशेंट को आपने भेज दिया, नहीं। अगर मेरा ये मानना है कि डॉक्टर वो सही है जब आपके पास पेशेंट आ रहा है और पेशेंट से जब आप बात करें तो पेशेंट कुछ टाइम के लिए अगर अपनी दुख या अपने कुछ चीज़ें भूल जाए, तो मेरे ख्याल में आपसे बेहतरीन इंसान कोई नहीं है। ये चीज़ हमारे साथ, अपना नाम बताइए और अपना एक्सपीरियंस बताइए। मेरा नाम माज नईम है और जो इस साल नीट 24 का एक्सपेक्टेड रिजल्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो है 654 मार्क्स। कैसा कॉलेज मिलेगा, कैसे करेंगे, क्या 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 में क्या क्या चीज़ें चल रही है? जहन में तो इस टाइम बहुत सी चीज़ें चल रही थी, क्योंकि पेपर के बाद और रिजल्ट आने में तकरीबन एक महीना का इंतज़ार होता है, और उस टाइम ये सोचना कि कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या कट ऑफ जाएगी, पिछले साल क्या गई थी और उस फला कॉलेज की क्या लास्ट रैंक गई थी, उस सब में बहुत टाइम जाता है। और ये रिजल्ट के बाद ही अब बता पाएंगे सटीक तरीके से कि क्या कॉलेज मिलेगा, क्या रैंक रहेगी। और भी यहाँ पर हैं, क्या क्या कहेंगे अपने बारे में, हिंद गुरु अकेडमी का रोल, यहाँ की क्या खास चीज़ रही आगे लेकर गई, और कितने मार्क्स आप उम्मीद कर रहे हैं? माई सेल्फ मोहम्मद अदनान, आई एम स्कोरिंग 663 दिस ईयर, एंड लास्ट ईयर आई ऑल्सो स्कोर 602, एंड आई एम परसुइंग BDS करेंटली राइट नाउ। उसके 602 के बाद BDS ले लिया था मैंने लास्ट ईयर ही, और फिर मैं जनवरी में यहाँ आया हूँ हिंद गुरु में, और जनवरी में सबसे पहले स्टार्ट किया, टेस्ट सीरीज़ वगैरह स्टार्ट कर दी। और सबसे बड़ी बढ़िया चीज़ ये लगी इस एकेडमी की कि टीचर अच्छे रहें, टीचर का नेचर बहुत अच्छा रहा है, मतलब स्टूडेंट के लिए, और वो जिस तरीके से समझाते थे वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है चीज़ों में। बाकी
डर तो सबको लगता है क्योंकि हम लोग इतना बड़ा कंपटीशन एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, तो डर तो रहती है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, दुनिया भर की चीज़ें आती रहती हैं। लेकिन आपने लिया था कि एडमिशन ले लिया था फिर उसको ड्रॉप किया? हाँ, BDS लेने के बाद मैंने छोड़ दिया था। उसका बॉन्ड भी है, 3 लाख का बॉन्ड भी देना पड़ेगा उसको। तो 602 थे लास्ट ईयर, और बट ये था कि जनवरी में कोई उम्मीद नहीं थी कि मतलब होगा कि नहीं होगा पता ही नहीं था, बट एकदम से छोड़ दिया और फिर से लग गए इधर। चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो सुरेमान साहब। कैसा सफ़र रहा? और जैसा आप लोग का माहौल है, बड़ी दिलचस्पी होती है लोगों को कि एक हाफिज डॉक्टर हो, उनको समझ में नहीं आता कैसे कैसे ये आसान हो सकता है, कैसे पूरा हो सकता है, आप थोड़ा बताइए। जी, मैं तो सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि ये इतना मुश्किल है नहीं जितना हम समझते हैं कि एक मतलब अगर आपने हिफ्स किया है या फिर अगर आपने स्कूलिंग लाइन से हट के कुछ अगर स्टडी की है, और ख़ासकर दीनी मामले में, तो आपके लिए ये मुश्किल होगा ऐसा नहीं होता है। जी, बल्कि आसान हो जाता है आपको, क्योंकि जब आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग होते हैं तो फिर आपके लिए आसान हो जाता है बाकी चीज़ों को हैंडल करना। आपने कैसे किया, कैसे आसान बनाया इसको? कहना आसान होता है लेकिन करना, उसको बताना। जी, असल में ये जो नीट का एग्ज़ाम है और फिर उसके बाद जो उसका रिजल्ट आना है, आपकी परफॉर्मेंस है, इसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो एक कम्युनिटी इफेक्ट देते हैं। तो मैं तो उन सभी को क्रेडिट देना चाहूँगा, वो मेरे टीचर्स हों या मुझे जो टेस्ट सीरीज दी गई वो हो, मुझे जो माहौल दिया गया, मेरे पेरेंट्स ने जो सपोर्ट किया, बल्कि मेरे भाई बहनों ने जो सपोर्ट किया, मुझे घर पर पढ़ने की स्पेस दी इस तरह से, और मेरे जो साथी थे, जो मेरे क्लासमेट्स थे, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं सबको क्रेडिट देना चाहूँगा। जी, इस बार आई एम एक्सपेक्टिंग 666। बाकी जब तक रैंक नहीं पता लगती, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता, बट इंशाल्लाह अच्छा कॉलेज मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो हाफिज़ हैं या जो मदरसे में पढ़ रहे हैं, जी, आप क्या 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 उनको क्या बताना चाहेंगे अपने तमाम चीज़ों? जी जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप मदरसे में पढ़ते हैं या फिर आप कुरान सीखते हैं और आप हदीस का इल्म सीखते हैं, तो फिर उसमें आप अपने आप को ऐसा ना महसूस होने दें कि आप क्या कहते हैं मतलब दुनियावी मामले में कुछ कर नहीं सकते अगर आप करना चाहते हैं तो, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि क्या कहते हैं जो मुसलमानों की जो हिस्ट्री रही है उसमें ऐसे आपको कई लोग मिलेंगे जो क्या कहते हैं दीनी आलिम भी थे और वो साइंस में भी आ गए थे, अलजाबिर, अलखवारिज्मी और इब्न सीना, ऐसे आपको कई लोग मिलेंगे, तो आप उनसे इंस्पायर हो सकते हैं। ये जो कुछ तस्वीरें हम देख रहे हैं कि अभी रिजल्ट नहीं आया और फिर भी अपना जो उम्मीद कर रहे हैं कि इतना, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे इतना भरोसा आता है कि नहीं मेरा इतना आ जाएगा? ये तो एक्चुअली क्या कहते हैं जो अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अनऑफिशियल एनसीटी की निकालते हैं उसी से हम आइडिया लगाते हैं। जी,